को ब्रेक किया है, रैप क्या स्क्यूब डाइव ब्रेक कर रहा है कि क्या कह रहा है आपको? नमस्कार बेबी, सबसे पहले तो थैंक यू अमित कि आपने मुझे इस एसटीम पैनल को बुलाया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि राजीव और श्वेता दोनों इस पैनल का हिस्सा हैं, क्योंकि श्वेता ने अभी डेब्यू किया, सो कांग्रेचुलेशन श्वेता, एंड राजीव और मैंने अभी एक शो कम्प्लीट किया है, एंड मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि राजीव इज अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर, और मैंने इनका काम ज़्यादातर टेलीविजन पर देखा था. मैंने इनकी फिल्म देखी थी आमिर जब मैं फिल्म स्कूल में थी, एंड आई वॉज वेरी मूव्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, एंड मुझे ऐसा लगता था कि एक वर्ड जो मिसिंग था बहुत सालों से, आई थिंक बहुत एक्टर्स की लाइफ में, और वो वर्ड है चांस. एक चांस मिलना एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है. हम देखते हैं कि ज़्यादातर फिल्म फैमिलीज के बच्चों को चांसेस मिलती हैं, वो फेल होते हैं फिर से उनको एक चांस मिलती है, वो फिर फेल होते हैं फिर एक चांस मिलती है, लेकिन हम में से जो छोटे शहरों से आते हैं, जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं, जिनके पास कोई बैकअप नहीं होती है, जिनके पास प्रोड्यूसर्स नहीं होते लगे हुए, फाइनेंशियर्स नहीं होते, जो आपके ऊपर चांस भी नहीं है, वो चांस वेल में लेने के लिए लोग तैयार हैं. एंड आई थिंक इट इज सच अ बिग थिंग, किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, कोई बड़ा प्रोड्यूसर, कोई बड़ा फाइनेंशियर बोले कि भाई मैं इस एक्टर पे चांस लूंगा और मैं इस एक्टर या इस एक्ट्रेस को अलग या हट के दिखाऊंगा, या मैं इसके लिए ऐसा रोल लिखूंगा जो मुझे लगता है कि इसके लिए जायज है और ये इस रोल के लिए जस्टिस कर सकता स्लैश कर सकती है, इज अ बिग थिंग फॉर एनी आर्टिस्ट. मैंने अपना करियर शुरू किया था बच्चन साहब के साथ, मैंने एक शो किया था उसका नाम यूथ, वो 20 एपिसोड्स की सीरीज थी. दैट शो नेवर डिड वेल, दैट शो वाज प्रोड्यूस्ड बाय अनुराग, एंड मुझे याद है कि जब वो शो अच्छा नहीं किया था, आई थिंक हमने लिटरली 1.5 साल उस शो की शूटिंग की थी, और मेरा बहुत, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवती समझती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि बच्चन साहब के साथ मैंने करियर की शुरुआत की थी. सो फॉर मी ट्रेनिंग वॉज नसीरुद्दीन शाह हुज माय मेंटर, एंड बच्चन साहब हु वॉज माई फर्स्ट को एक्टर ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म. मैंने उन लोगों से ट्रेनिंग की, मैंने देखा कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उनके लिए वो मायने ही नहीं रखता, उनके लिए जो मायने रखता है वो रोल है. आप आइए शिद्दत से काम कीजिए, अपने रोल में ढलिए, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके आजू बाजू लोग क्या कह रहे हैं, कि आपको कितना डिस्करेज कर रहे हैं, कि आपको कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो शब्द उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है. एंड आई थिंक मैंने वहाँ से प्रेरणा लेते हुए और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी अभिनेत्री के लिए भारत में, बिकॉज भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग ज्यादातर चाहते हैं कि औरतें सुंदर दिखें, या औरत को एक रूप में ढाल दिया जाए और वही हो, और वो बिल्कुल नहीं हुआ. क्योंकि जब मैं अपना पहला वेब शो किया, मेरा पहला वेब शो था चुकिया गिरी, एंड आई प्लेड अ कंप्लीट बैडएस बॉस इन इट, और वो ऐसी बॉस थी कि अपने इंटर्न को एक्सप्लॉइट करती थी, शी वुड टेक सेक्सुअल फेवर्स फ्रॉम हिम, एंड आई वाज लाइक रियली ये तुम लोग रियली ऐसा शो बना रहे हो, एंड दैट शो केम आउट, एंड आई रिमेंबर कि मैं प्ले के लिए गई थी, नाटक के लिए गई थी बड़ौदा, और मैं वहाँ पर एक मॉल में कॉफी पीने गई थी, और आई थिंक 20 या 22 साल के कुछ या 18-20 साल के कुछ बच्चे थे who came rushing to me and they were like Rati, and I was like what, you know me, and they were like yeah हमने आपका शो देखा है, and I was like really, and I couldn't believe my eyes, क्योंकि मैं सालों से थिएटर कर रही हूँ, मैंने सालों से ऐसा काम किया है जो लोग शायद देखते भी नहीं है, and I wasn't sure कि ये शो भी लोग देखेंगे, but people watched it. Until today, मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट वही रहेगा कि बड़ौदा में 3-4 बच्चे मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे को बोला था रति, and I was like what, like it was really unbelievable. So for me, web is something that has broken all stereotypes for me. Web stereotypes तो तोड़ा है, लेकिन जब मैं